बेल्स पाल्सी, जो कि फेशियल नर्व पाल्सी भी कहते हैं उसको, एंड इट इज़ अ पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन. द इटियोलॉजी, इट्स इटियोलॉजी इज सम वायरल, इट मे बी ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन, और इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन डायबिटिक पेशेंट ड्यू टू द एंजियोपैथी एंड इन द प्रेगनेंट वुमेन ड्यू टू द फ्लूइड रिटेंशन. बेल्स पाल्सी में क्लिनिकल फीचर्स जो हैं, हम जब पेशेंट की एग्जामिनेशन करेंगे तो वी कैन ईजीली डायग्नोज द पेशेंट, बिकॉज उसकी एग्जामिनेशन से ही पता चल जाएगा कि उसको फेशियल पाल्सी है. तो क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे? पेशेंट विल इनेबल टू क्लोज हिज आइज, उसका आईलिड क्लोज नहीं हो पाएगा. उसका सलाइवा जो होगा वो इट विल ड्रिबल आउट फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ. उसकी जो आईबॉल्स होंगी वो अपवर्ड मूव अपवर्ड ही होंगी और इट विल स्लाइटली बल्ज आउट, जबकि उसके जो टीयर्स हैं वो फ्लो डाउन करेंगे, क्योंकि जो हमारी जो फेशियल नर्व है वो सप्लाई करती है लैक्रिमल एज वेल एज सेलेवरी ग्लैंड को. फेशियल नर्व जो है वो स्टिपीडियस मसल जो होता है मिडल ईयर में, उसको भी सप्लाई करती है, जिसकी वजह से अगर फेशियल नर्व की पाल्सी हो जाएगी तो उस पेशेंट को थोड़ा नॉइस का प्रॉब्लम भी होगा. उस कॉर्डे टेम्पनाई जो है फेशियल नर्व की जो ब्रांच है वो टेस्ट में हेल्प करती है, तो इसकी वजह से जो है लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन भी होगा. फेशियल नर्व का जो न्यूक्लियस होता है वो पोन्स में लोकेटेड होता है. कंसेप्चुअली वी डिवाइडेड इट इन टू टू पार्ट्स, अपर न्यूक्लियस एंड लोअर न्यूक्लियस. अपर मोटर न्यूरॉन जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से अपर न्यूक्लियस जो है फेशियल नर्व का वो कंट्रालेटरल और इप्सिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन दोनों इधर मतलब इसको इनर्वेट करते हैं, जबकि जो लोअर मोटर लोअर न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ कंट्रालेटरल साइड के अपर मोटर न्यूरॉन आएंगे. इसमें अपर न्यूक्लियस में जो हैं दोनों साइड से आ रहे हैं, जबकि लोअर न्यूक्लियस में जो हैं सिर्फ एक कंट्रालेटरल साइड का अपर मोटर न्यूरॉन आ रहा है. जो अपर न्यूक्लियस है वो सप्लाई करेगा अपर पार्ट को, फेस के अपर पार्ट को, जबकि जो लोअर न्यूक्लियस है वो फेस के इप्सिलेटरल साइड के सिर्फ लोअर पार्ट को सप्लाई करेगा. सो अगर अपर मोटर न्यूरॉन का लेजन होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपर मोटर न्यूरॉन को काट दूँ, तो जो अपर मोटर न्यूरॉन का लेजन होगा उसकी वजह से फेस के लोअर पार्ट के सारे मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे, जबकि अपर पार्ट के मसल्स पैरालाइज नहीं होंगे, क्योंकि अपर न्यूक्लियस जो है वो सप्लाई कर रहा था अपर पार्ट को फेस के, और इस न्यूक्लियस में कंट्रालेटरल एज वेल एज इप्सिलेटरल न्यूरॉन्स दोनों इनर्वेट कर रहे थे. अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो ये वाले फाइबर्स तो फिर भी सप्लाई करेंगे ये वाले न्यूरॉन्स, तो अपर मोटर न्यूरॉन के रीजन में फेस की सिर्फ लोअर वाले मसल्स पैरालाइज होंगे, अपर वाले मसल्स पैरालाइज नहीं होंगे. इसलिए अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन में जो है इप्सिलेटरल साइड पे बंदा स्माइल नहीं कर सकेगा, विसल नहीं कर सकेगा, और जो उसका नेजोलेबियल फोल्ड है वो भी लॉस हो जाएगा, लेकिन वो अपनी आईब्रोज को रेज कर सकता है, क्योंकि उसका अपर पार्ट जो है फेस का उसके मसल जो है फंक्शनल है. लोअर मोटर न्यूरॉन को के लीजन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोअर मोटर न्यूरॉन को यहाँ से मैं कट कर दूँ, तो लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन में पूरे जो इप्सिलेटरल साइड है फेस की, इसके सारे मसल जो हैं वो पैरालाइज हो जाएंगे, और इसमें क्या होगा, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इप्सिलेटरल पैरालिसिस ऑफ मसल इन लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन, ड्रूपिंग ऑफ माउथ, माउथ जो है ड्रूप कर जाएगा, जिस साइड से नॉर्मल है उधर वो ड्रूप कर जाएगा, बंदा आईब्रोज को रेज भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो उसका अपर पार्ट है वो भी बिल्कुल लॉस हो गया लोअर मोटर न्यूरॉन के लेजन में, और आइज भी उसकी क्लोज नहीं होंगी, वो अपने आईलिड्स को ब्लिंक भी नहीं कर सकेगा. एक बार फिर रिवाइज कर लें, ये हमारा है मोटर कॉर्टेक्स. मोटर कॉर्टेक्स से जो है अपर मोटर न्यूरॉन आते हैं, पोन्स में जो है फेशियल नर्व का न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है, अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में. जो मोटर कॉर्टेक्स से फाइबर आ रहे होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स के, वो कंट्रालेटरली भी आते हैं, मतलब उसकी उल्टी साइड से, और इप्सिलेटरल मतलब उसकी सेम साइड से भी आ रहे होते हैं अपर न्यूक्लियस में, जबकि जो फेशियल नर्व का लोअर न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ फाइबर जो हैं वो कंट्रालेटरल साइड से, उसकी उल्टी साइड से आ रहे होते हैं फाइबर. अब जो हमारा फेस है उसको हमने इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया हुआ है, जो उसका अपर न्यूरॉन अपर न्यूक्लियस है फेशियल नर्व का वो अपर पार्ट को सप्लाई करेगा,
इप्सिलेटरली साइड के ही, मतलब उसकी सेम साइड के जो लोअर न्यूक्लियस है फेशियल नर्व का, वो लोअर पार्ट को सप्लाई करेगा फेस के। अब अगर हम अपर मोटर न्यूरॉन का लेजन कर दें, फॉर एग्जांपल इसकी कोई भी ट्रॉमा की वजह से अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारे डैमेज हो गए हैं, तो उस पर फेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये होगा कि फेस की जो ये वाली साइड है, लोअर साइड है, उसके सारे मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे, जबकि उसकी अपर साइड के कोई भी मसल पैरालाइज नहीं होंगे, क्योंकि अपर साइड को जो है वो अपर न्यूक्लियस सप्लाई कर रहा था। अपर न्यूक्लियस में दोनों तरह के फाइबर्स थे, अगर हमने एक तरीके का काटा तो दूसरा वाला फाइबर्स तो है ना इंटैक्ट, तो वो मसल अपर पार्ट ऑफ फेस के पैरालाइज नहीं होंगे, क्योंकि उसमें कंट्रालेटरल अपर मोटर न्यूरॉन्स भी हैं और इप्सिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन्स भी हैं, जबकि लोअर पार्ट ऑफ द फेस में सिर्फ वो लोअर न्यूक्लियस सप्लाई कर रहा था, इसमें सिर्फ कंट्रालेटरल फाइबर जो हैं अपर मोटर न्यूरॉन के, तो वो लोअर मसल जो हैं फेस के वो सारे पैरालाइज हो गए। इसलिए इन दोनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये होगा कि लोअर मोटर न्यूरॉन में बंदा लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन में बंदा जो होगा वो आईब्रोज को रेज नहीं कर सकेगा, अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन में आईब्रोज रेज हो सकेंगी, क्योंकि उसमें अपर पार्ट फेस का बिल्कुल सही होता है।